वायरस के चलते एक और जहां सभी भीड़ वाले क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर भीड़ घटाने के लिए रतलाम रेल मंडल ने अपने सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट ₹50 कर दिया है। ये 17 मार्च से मंडल के 139 रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट ₹10 का मिलता था। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के कारण रेलवे विभाग ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को घटाने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में वृद्धि की। रेलवे पीआरओ ने बताया कि यात्रियों के साथ घर के कई सदस्य उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आते हैं, जिस वजह से ज्यादा भीड़ होती है। इसीलिए रेलवे विभाग ने प्लेटफॉर्म टिकट ₹10 से बढ़ाकर ₹50 कर दिया है। रेलवे विभाग ने बताया कि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने के बाद स्टेशन पर भीड़ में कमी आएगी। इसके पहले पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में ट्रेनों के वातानुकूलित यात्री कोच का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स करने के आदेश दिए थे, ताकि यात्रियों को कंबल की जरूरत न पड़े। रेलवे के आदेश पर रविवार से इंदौर स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों के वातानुकूलित कोच से पर्दे व कंबल हटाए गए। अब रेलवे इन कोच के यात्रियों को तकिया व चादर ही दे रहा है। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत के मुताबिक कोच में यात्री अपना कंबल ला सकता है। किसी यात्री को अतिरिक्त चादर की जरूरत होगी तो वह उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के डर से रेलवे प्रबंधन ने सभी डिवीजन के डिब्बों के अंदर से पूरी तरह सफाई करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे सभी बोगियों की सफाई लाइजोल जैसे उपयुक्त कीटनाशक से करवा रहा है। रखरखाव के दौरान EMU और डेमो कोचों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेनों के सभी कोच में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप का स्टॉक रखने का कहा गया है। देखिए, कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है और भारतवर्ष में भी उसको महामारी के रूप में देखा जा रहा है। और रेल मंत्रालय ने यात्रियों को उनके यात्रा के दौरान किसी तरह से भी इससे बचाया जा सके उसके लिए प्रयत्नरत है। अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों में एक जागृति अभियान चला रखा है। साथ में हम लोगों ने पोस्टर बैनर के द्वारा भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि उनको किस तरह से वायरस से बचा जा सकता है। साथ में हम लोगों ने एसी कोचेस के अंदर से जो कंबल है उनको हटा दिया है और जो पर्दे लगे होते हैं उनको हटाया है और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी कंबल की आवश्यकता ना हो। मेन कंसेप्ट यह है कि स्टेशन पे लोग छोड़ने और लेने बहुत आते हैं और ज़्यादा भीड़ बढ़ने से भी जो कोरोना वायरस का जो अगर एक भी मरीज है वो होता है तो बहुत लोगों में वो फैला सकता है। तो उस भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने एक अस्थायी तौर पे ये फैसला लिया है कि करीब 100 स्टेशन है रतलाम मंडल के, जिसपे कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसको हम लोग ₹50 का किया है और ये अस्थायी तौर पे किया गया है। जैसे ही माहौल नॉर्मल होता है तो वो टिकट जो नॉर्मल प्राइस पे ₹10 है वही रहेगा। सर, पहले की तुलना में अभी कितना टिकट बिक चुके हैं? देखिए, पहले काफ़ी प्लेटफॉर्म टिकट बिकते थे, लेकिन अभी हम लोग सुबह से देख रहे हैं तो 12 से 14 टिकट ही बिके हैं प्लेटफॉर्म टिकट। तो उसके हिसाब से हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है और लोग भी समझ गए हैं कि पैसा देखिए प्लेटफॉर्म पे जाना कोई मतलब नहीं रखता है। जो भी आना है उनको वो आ जाएंगे और जिनको जाना है वो अपने अकेले जा सकते हैं। तो जिनको वास्तव में ज़रूरत है, ओल्ड पर्सन है, तो वो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं।